चलिए देखिए क्या है आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड वैट। प्रॉफिट लॉस में बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं आपका, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इसमें गिवन पे क्या होता है। प्रॉफिट लॉस के लिए तो देखो कितना चार्ज है बताओ, ये ना सी पी एस पी प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एम पी डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा एम पी पे ही होता है, ये बताया। फिर आपका जो एम पी होगा डिस्काउंट आपको पे करने के बाद में क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। अगर आपको कोई चीज़ सेल की जाती है तो इसमें क्या होगा कि कुछ ना कुछ उसकी कॉस्ट भी होगी, तभी तो वो क्या होगा, मान लो कि 100 रुपये का कोई चीज़ लाया होगा एम पी ए का, मान लो कि 100 रुपये है, ठीक है, और उसने डिस्काउंट दिया आपको 5% का, ठीक है, तो उसका एस पी हो जाएगा कितना 95 रुपये, तो उसकी कुछ कॉस्ट भी तो होगी, कॉस्ट भी होगी और वो कुछ प्रॉफिट भी कमाएगा, तो प्रॉफिट मान लो कि उसने 10% कमा लिया, ठीक है, 10% अगर प्रॉफिट भी कमाया है तो उसका सी पी कितना हो जाएगा। तो सी पी के लिए फॉर्मूला देखो, पहले एस पी के लिए आप बता देते हैं कि एस पी का एम पी से निकालोगे आप बता रहे हैं कि एम पी को 1 माइनस 100 होता है ना, ये हो गया। अगर उसने प्रॉफिट कितना लिया है 10% का, तो इसका सी पी का भी फॉर्मूला देखो 100 प्लस प्रॉफिट इंटू एस पी होता है। फॉर्मूला सारे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, तो यहाँ से निकाल दीजिए सी पी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 100 अपॉन कितना हो जाएगा 10 है, तो ये 110 हो जाएगा इंटू एस पी का कितना आया 95, तो यहाँ से निकाल दीजिए कितना हो गया, ये 950/11 या फिर कितना हो जाएगा 11 8 88 और कितना हो जाएगा 7 11 6 कितना आ जाएगा 66, तो कितना बचेगा, तो 11 95/4/11 कितना रुपए बचना चाहिए, ठीक है, सी पी यहाँ से आपका सी पी भी आ गया 86 और 4/11 रुपये, ठीक है, इस तरीके से आपका ये सी पी आ गया। अब आपसे कहा जाए कि इसमें वैट भी बढ़ेगा आपका, आपसे कहा जाए कि वैट भाई 5% पे करना पड़ेगा आपको, वैट 5% है तो वैट हमेशा लगता है इस पर, ठीक है, तो वैट के लिए यहाँ से फिर आपको पे कितना करना पड़ेगा, उसके लिए निकालना होता है पेबल अमाउंट, ठीक है, पेबल अमाउंट का होता है फॉर्मूला एस पी इंटू 1 प्लस वैट अपॉन 100, तो हम निकाल दीजिए एस पी कितना आया था आपका, हाँ वैट परसेंटेज, तो 95 वन प्लस वैट कितना है 5%, तो लिख लीजिए 5/100 ये होगा 5/20, तो 95 इंटू ये हो जाएगा 20/20, यहाँ से निकाल दीजिएगा ये 19 हो गया, ये 14 हो गया, तो जितना है आप निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि पे कितना करना पड़ेगा आपका यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। तो बस आपको सबसे पहले क्या है, इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला लगा सकते हैं। एक ये वाला फार्मूला हो गया, एक आपका ये हो गया, ये क्या हो गया, और कौन सा फार्मूला होता है, हाँ और देखिए फार्मूला यहाँ पर सारे लिखा देते हैं कि अगर ये प्रॉफिट दिया होगा तब तो इतना होगा, अगर लॉस दिया होगा तो कितना आ जाएगा, इसी को हम माइनस कर देंगे यहाँ पर, ठीक, लॉस परसेंट ये कौन सा प्रॉफिट परसेंट था इंटू एफ पी। अगर देखिए आपको प्रॉफिट भी गिवन है, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है, ये कुछ होगा ये कुछ होगा, तो यहाँ से हमें पता है कि सी पी में डायरेक्ट मिल जाएगा, कितना होता है सी पी इक्वल टू कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट अपॉन प्रॉफिट इनटू 100, प्रॉफिट इनटू 100 कहाँ होगा, यहाँ नहीं ऊपर, तो फिर उधर ही क्यों बताएं, तो सीधा है ये हो जाएगा देखो प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट परसेंट इनटू 100, अच्छा ठीक है, ये प्रॉब्लम लगा हुआ है सीपी के लिए। ऐसे ही लॉस अगर दिया होगा
तो लॉस भी ऐसे निकाल लेंगे कि देखिए अगर लॉस भी गिवन है और लॉस परसेंट भी गिवन है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें गिवन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। यहाँ से भी भाई सी पी का फॉर्मूला इसी तरीके से आ जाएगा, कितना आ जाएगा कि लॉस अपॉन लॉस परसेंट इंटू 100। ओके, तो इतने फार्मूले आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, अब आपको फार्मूला एक तरफ देखो ऐसे फार्मूला लिख के रखो और एक तरफ ये चीजें हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप रीड करते जाइए और सारी चीजें गिवन जो है लिखते जाइए, आपका क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली नहीं करना चाहती तो गल इसलिए क्या होगा, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका कि रिसीव बॉर रेस्ट वॉच फॉर रुपीज 2200। अब उसने क्या किया है, बॉट की है, यानी कि उसके लिए कुछ सीपी होगा, क्यों 2200 रुपीज। ओके, उसने कहा एंड सोल्ड इट फॉर 1980 रुपीज, और सोल्ड भी कर दिया उसने, एसपी कर दिया कि ना इसको हमारा बात नहीं लग रहा है, किसी को जमा पड़ता नहीं, तो ठीक है कितना दिया है 2200 और सोल्ड किया कितना था 1980 रुपीज। फिर देखिए इसमें कहा गया है पॉइंट लॉस और गेन परसेंट, तो लॉस हुआ कि गेन हुआ और उसका जो है कितना हुआ परसेंटेज निकालना है। तो आपको पता है कि खरीदा इतने था बेचा इतने में है तो लॉस ही होगा, और लॉस कितना हो गया इसको इसमें माइनस कर देंगे, कितना बचेगा ना होगा 0 2 और ये बताएगा 2 नहीं होगा 220 रुपये का, ठीक है। इसमें आपका लॉस हो गया तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, तो आपको पता है फॉर्मूला कहाँ है, लाभ का सी पी टू 100 लगा दीजिए 220 अपॉन 2200 इंटू 100, तो इस 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो गया 21 10 गया, तो ये हो गया 10% लॉस परसेंट आ गया बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये है आपका इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगो इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगो। हाँ ये वाला मैं आपको बता भी चुका हूँ, तो आज आपका ये सुनना नहीं चाहिए आपसे। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, अरे यार कि सी पी ऑफ 18 मैंगो इक्वल टू दिया है एस पी ऑफ 16 मैंगो, ठीक है। तो इसका जो सी पी होगा वो एस पी हो जाएगा, और एस पी है वो सी पी हो जाएगा, और एस पी हो जाएगा कितना 18 इतना रुपया, ठीक है। इस तरीके के इसको नोट कर लेंगे, तो देखिए सी पी 16 है एस पी है, तो प्रॉफिट हो रहा कितना रुपये का 2 रुपये का, रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट बताइए कितना होगा 12.5% 2.16 × 100, तो ये हो जाएगा 1/8 of 100। तो 1/8 of 100 मैंने परसेंटेज में आपको बताया था कितना होता है, कितना होता है 12.5, क्यों 12.5%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपसे इसी तरीके का और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्यों इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सी पी ऑफ आपसे कहा जाए कि सी पी ऑफ 100 से है, ठीक है, इट इक्वल्स टू एस पी ऑफ कितना होगा 90 जीएम। तो बताइए इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और होगा तो कितना होगा इसमें, एक सेकंड मैंने कहा था जो सी पी है वो एस पी हो जाएगा, सर हो गया सी पी हो जाएगा, अब तो इसका अगर प्रॉफिट होगा
दीवार के यहां से कितना हो जाएगा 100/9 जीरो हो गया तो 100/9 11.11% हां 11.11% ना ठीक है। इसी तरीके से देखो एक और क्वेश्चन आता है जो थोड़ा चेंज होता है। तो देखिए आपसे क्या रहा है कि बताइए कि अगर एक आदमी दस रुपए में तो एक मैंगोज खरीदा है, ठीक है, क्या किया है, बाय किया है, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि वो 12 रुपए में 10 मैंगो जो है क्या कर देता है, सेल कर देता है, तो बताइए उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, होगा तो कितना होगा। तो बाइंग किया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका क्या होगा, सीपी हो जाएगा, और सेल किया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा एसपी। तो एसपी वाले पैसे कौन से हैं, तो रुपये हैं ये वाले, ठीक है, ये सीपी है और ये एसपी है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करा दो और किसकी इसमें, तो हमारा सीपी और एसपी आ जाएगा। तो देखिए सीपी लाने के लिए हम इसमें से मल्टीप्लाई करें तो 10 जो हो गया 100, क्या बना सीपी, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 144, ये क्या बन गया एसपी, ठीक है, एसपी और सीपी बन गया। अब हमें पता है कि सी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है, इसका मतलब हमको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 44 रुपये का, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए आप 44/100 पे हुआ, क्योंकि हमेशा सीपी हम इस पर निकालते हैं सीपी पे, ठीक है, प्रॉफिट निकालते हैं सीपी पे, तो ये हो गया, इन दोनों को कैंसिल हुआ, सही है 44%। ओके देखिए आप तुम्हें जो है डिस्काउंट पे ले लेते हैं, ये अगर डिस्काउंट दिया है तो कितना आएगा, वो अबव परसेंट वाला कौन सा परसेंट, हाँ अबव परसेंट उसको पहले वाला बता दीजिए, जो एक प्रॉपर्टी थी वो इतने दो हिस्सों में बांटी गई, एक जो था अच्छा आपको तो एमपी में आएगा ना, चलिए देखिए पहले इसको रख लीजिए नोट कर लीजिए, ये जो है इस तरीके का याद रखना है, एक क्या है कि इतने का सीपी इतने के एसपी के बराबर है, वो वाला हो गया, और ये क्या होता है कि 10 रुपए में इतने खरीद के 12 रुपए में इतने देते हैं तो क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से आता है आपका लेमन पे आता है, मैंगो पे आता है, एप्पल पे आता है, कई चीज़ें आपकी जो है एसपी सीपी इस तरीके से दिए होते हैं, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका जो एमपीओ डिस्काउंट है, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन दिया है कि After allowing a discount of 12%, the mark price of an article, it is sold for 880 rupees. तो देखो उसने कहा कि डिस्काउंट जो है कितना का 12% का दिया गया, कितना 12%, और फिर कह रहा है कि वो 880 में सेल किया गया, ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि बताइए कि एम पी कितना हो गया, तो एम पी आप निकाल लीजिए यहाँ से, क्योंकि एस पी फॉर्मूला यहाँ पता है, तो एस पी इक्वल टू होता है एम पी 1-D/100, तो निकाल ली जो हो गया 880, एम पी ऐसे रख लो ना 1-12/100 रख लीजिए, कितना हो जाएगा ये 880 इंटू एम पी इंटू ये कितना हो जाएगा 88/100, तो बस 88 से ये 10 टाइम कर सकते हो, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो गई 1000 हो गया एम पी, ठीक है नहीं जी, तो आपको सारी चीज़ें पता होगी, फॉर्मूला सामने होगा, आप कर सकते हैं, ये इसके 2-4 ही क्वेश्चन कराएंगे और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन जो होता है वो जो का आपका आरएमसी में अभी आ चुका है, ठीक है, देखो अट्रेस में अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 15%, ठीक है, यहाँ पर जो है आपके बार कितना दिया है 15% डिस्काउंट अलाउ होता है on a retail price, how much above the cost price must he mark his goods to make a profit of 19%? अब देखो उसने कहा कि profit जो है 19% है,
इसका मतलब आपको इतनी सारी चीजें इस बार यूज करनी है, ठीक है। डिस्काउंट किस पे आता है? हमेशा एमपी पे आता है, और अगर प्रॉफिट है तो इसका मतलब सीपी पे निकाला जाता है प्रॉफिट ना। तो अब आपको बताना है कि बस दो ही चीजें गिवन है, और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि अगर मान लो कुछ 100 रुपए की चीज लाया है और उस पर प्रिंटेड रेट जो है 120 रुपए पड़ा है, नहीं या फिर कह सकते हो कि 100 रुपए क्या किया है लाया है और प्रिंटेड उसको डालना है अपनी तरफ से, उसको प्रिंट करना है कितने रुपए की बेचनी है, तो बताइए कि 19 रुपए का प्रॉफिट पाने के लिए 100 रुपए की चीज को कितना प्रिंट करेगा? 190। लेकिन उसको डिस्काउंट भी तो देना है, तो इसका मतलब 15% डिस्काउंट निकाल के 190 को देखेगा तभी हम जान पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से हम निकालेंगे क्या निकालेंगे, सिंपल निकालो तो चलिए हम पहले इसको x निकाल लेते हैं। तो हमें sp का फॉर्मूला है, यहाँ से हमें sp पता लग जाएगा, तो यहाँ से हमें cp पता लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले sp निकाल लीजिए, तो sp यहाँ से हो जाएगा mp into 1 - d upon 100, ठीक। तो sp हमारा आ गया कितना, 85 upon 100x, उसको कैंसिल। अब देखिए हमारा एस पी आ गया, जब एस पी पता है प्रॉफिट पता है, एस पी पता है प्रॉफिट पता है, तो हम सी पी आ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आ सकता है। तो आप कहेंगे सी पी हो जाएगा 100 upon 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 119 इंटू एस पी कितना आया है 85 upon 100x, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 17 के टेबल में आता है, देखिए तो 17 के टेबल में आता है, कैंसिल कर दिया 17 आता है 75 जा अपॉन 77 जा, हां तो इतना आ गया, ये सीपी आ गया। अब देखिए अब आपसे पूछा गया है कि अगर सीपी इतना था तो एमपी कितना था, इतना है, कितना ज्यादा है इससे? तो आप कहेंगे कि एमपी सीपी से कितना ज्यादा है, तो इसके लिए हमें निकालना है, क्योंकि देखो आप प्रॉफिट कमाए हैं, तो प्रॉफिट का मतलब कमाए हैं जितना लाए होंगे उतने का नहीं बेचे होंगे, उससे ज्यादा बेचे होंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पहले हम निकालेंगे एबव, एबव यही होता है, एबव कितना है, तो आप कहेंगे एमपी माइनस सीपी होता है एबव, तो यहां से माइनस कर दिए, इसमें से ये वाला माइनस कर, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, तो 7 - 7 - 5 ये हो जाएगा 2 upon 7, ठीक है x। एबव परसेंट पूछी गई आपसे, कितना परसेंट है एबव, तो एबव आया है कितना 2/7x। अब किस पे एबव परसेंट किससे निकालना है, सीपी से, तो सीपी हो जाएगा कितना 5 upon 7x into 100, तो ये परसेंटेज निकाल लो, x से x कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 5 से कितना बार कैंसिल हो जाएगा 20 तो हो जाएगा 20 - 40% आ गया अबव परसेंट, ठीक है। तो ये इतना देखो इजी क्वेश्चन है अगर आप करें, वरना आपको बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा, आप नहीं कह रहे हमें सिर्फ दो ही चीज़ें दी, ये और ये वाली, इनसे हमारा इतना कैसे आएगा, तो सारी चीज़ें आ गई, इसका मतलब 40% अबव रखना है ना कि 19। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लिक करते हैं आपका, कौन सा दिया है, हाँ, अ ट्रेडर बाय अ सर्टेन आइटम एट 32% ऑफ द लिस्ट प्राइस एंड ही वांट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% एट व्हाट परसेंट अबव द लिस्ट प्राइस शुड ही मेक द आइटम, शुड ही मेक अबव द आइटम, ठीक है। तो देखिए पहले उसे कहा गया है कि वो खरीदने जाता है, 20% ऑफ मिलता है उसको लिस्ट प्राइस पे, ठीक है। फिर वो कहता है कि हम इसको जो है 25% प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं, और लिस्ट प्राइस जितना होगा उसका उस पर 20% जो है वो डिस्काउंट भी देगा, तो ठीक है हमारा जो है डिस्काउंट कितना हो गया 20% हो गया, प्रॉफिट कितना दिया है 25%, ठीक है 25%। तो पहले जो है हम ये वाला नहीं देंगे, या फिर लेना है ले लीजिए, इसको अगर x लेंगे तो